हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष बेवाल बेवाल क्लासेस से। देखिए, जैसा कि आरआरबी पीओ ऑलरेडी आप लोग एग्जाम दे चुके हैं और आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने फीडबैक दिया। आप ही के फीडबैक से हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। नाउ अब हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। पिछली हमने वीडियो में बात की थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने चाहिए और वो आप लोगों ने रख भी लिए होंगे। नाउ अब हमें हमारा एक बायो डेटा तैयार करना है, रिज्यूम। अब रिज्यूम में एक बार आपके बारे में सारी डिटेल्स पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी मदर का नाम क्या है, वो क्या करती हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स वो क्या करते हैं, वो सब लिखिए। एक बार बोलना क्या है अभी अपन डिसाइड करेंगे, पहले एक बार लिखिए। देन एजुकेशनल बैकग्राउंड, 10th में कितने परसेंटेज आए, कौन से साल में किया, 12th में कितने परसेंटेज आए, कौन से साल में किया, सब्जेक्ट कौन सा था, ग्रेजुएशन के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, हमारे पास कितने परसेंटेज आए, कौन से साल में कवर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें क्या रहा स्टेटस, वो सब डेटा एक बार लिख लीजिए। देन उसके बाद लिखिए कि आप अपनी पास अगर कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या है, उसको लिखिए। देन उसके बाद आपके पास में टोटल अगर हम अनुभव की बात करें तो कितने साल का अनुभव हो चुका है, उसके एक एक पॉइंट के ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी। साथ ही हॉबीज जो आप लोगों को बतानी ही होती है। कभी ये कोई बच्चा कहता है सर मेरी तो हॉबी नहीं, कोई बात नहीं, हॉबी नहीं तो तैयार करो, कौन सी तैयार कर सकते हो उसको रखो हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो जाना चाहिए कि दिस इज द डेटा अबाउट मी, मेरे बारे में। अगर आपका डेटा आप स्वयं बता पाएंगे तो आसान हो जाता है कि उसमें से कौन से क्वेश्चन पकड़े जा सकते हैं, उनको हम पहले तैयार कर लें। तो अपने अपने डेटा पे वर्किंग कीजिए, अपना पूरा डेटा लिखकर तैयार कीजिए और उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम तैयार करवाने वाले। अब मेनली आप अपने लेवल पे क्या तैयार कर सकते हैं, आपको तैयार करना है। सबसे पहले तो पापा का ऑक्यूपेशन देखिए। मान लीजिए वो कृषक है तो खेती के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए। मान लीजिए वो अभी किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय है तो कौन से डिपार्टमेंट में क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका भाई है बहन है वो किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन के बारे में हमें नहीं बताना, कई बार होता है कि हमने मेरा एक छोटा भाई ऐसा 5वीं क्लास में पढ़ता है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताना है हमें। सिंपल सिंपल अगर जॉब में है अच्छी पोस्ट पर है तो बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है, ठीक है। देन एजुकेशन, आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास कॉमर्स है, आपके पास साइंस है, आपके पास इंजीनियरिंग है, आपके पास में आर्ट्स है, जो आपके पास सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर पूछा जाता है। आपके पास कंटेंट होगा, अगर नहीं है तो जब आप हमसे मिलने वाले हैं तो हम आपको कंटेंट देंगे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, बेवाल क्लासेस फागा, FAGA, फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस, उस चैनल से जुड़कर आप डेटा ले सकते हैं। नहीं मिल रहा तो मुझे व्हाट्सअप करो डायरेक्ट, मेरे जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, मुझे व्हाट्सअप करो, हम आपको सबको डेटा दे देंगे। डेटा की कोई कॉस्ट नहीं है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आनंद से डेटा लीजिए। बेसिक थिंग तैयार करना है, बिना तैयारी के इंटरव्यू में नहीं जाना है, बिकॉज बिना तैयारी के इंटरव्यू में जाने का मतलब बिना हथियारों के युद्ध में जाना। हमें जो अपॉर्चुनिटी हमें इंटरव्यू देने की मिलने वाली है उसको ग्रैप करना है, कोशिश करनी है कि हम उसको इतना अच्छे तरीके से करें कि 100% 1 जनवरी को हमारा नाम सुर्खियों में हो, सब जने कहे यस ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो कि साहब जो अपने पिताजी का नाम रोशन करे, शिष्य हो तो ऐसा हो जो अपने गुरु का नाम रोशन करे। देखो सफलता मिलेगी तो ही हम आगे पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। जब तक हमें असफलता मिलती है हमारा नाम कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। सफलता जरूरी है।